हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं डुएट ब्लॉग्स। सो आज मैं आया हूँ कश्मीर, एशिया का सबसे लार्जेस्ट जो गार्डन है ट्यूलिप गार्डन, वो आज हम विजिट करेंगे। सो ट्यूलिप गार्डन का बोर्ड यहाँ मेरे पीछे ही आपको दिख रहा होगा, और चलिए अब अंदर जाके देखेंगे। एशिया का सबसे लार्जेस्ट जो ट्यूलिप गार्डन है, ये एक्चुअल में अंदर से दिखने में कैसा है, क्योंकि सब बोलते हैं कि ट्यूलिप गार्डन जो है यहाँ पे अगर देख लिया तो कश्मीर आना सफल हो गया। सो चलिए अब अंदर जाएंगे। यहाँ का आप पीछे का व्यू देखिए, पूरा ऑसम व्यू है यहाँ का। सो ट्यूलिप गार्डन का अंदर का व्यू कैसा रहता है, अब चलिए अब अंदर जाके देखते हैं। वीडियो पूरा वॉच कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। बेल नोटिफिकेशन को ऑन करने से मेरा सारा लेटेस्ट अपडेट आपके पास जल्द से जल्दी पहुँचता रहेगा। सो चलिए अब अंदर जाके वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपको ट्यूलिप गार्डन के अंदर घुसने से पहले 60 रुपये का एक टिकट आता है। सो आपको पहले टिकट जो है परचेस कर लेना पड़ेगा। ऐसा आपको टिकट दिखेगा, ये 60 रुपये करके 1 पर्सन। और अब चलिए, मैं तो टिकट यहाँ से काट चुका हूँ। टिकट काउंटर बिल्कुल गार्डन का गेट है, गार्डन का गेट के बिल्कुल बगल में ही आपको ये है हम लोग का टिकट काउंटर, जहाँ से मैंने टिकट परचेस किया है। 60 रुपये का एक टिकट आता है 1 पर्सन का ट्यूलिप गार्डन का। तो चलिए अब अंदर से विजिट करते हैं गार्डन। हम लोगों ने गार्डन के अंदर एंट्री ले लिया है, और आपने अभी एक छोटा सा क्लिप देखा होगा गार्डन का। तो चलिए अब मैं बखूबी आपको दिखाता हूँ कि यहाँ अंदर से गार्डन सामने से दिखने में कैसे। अंदर में बहुत बड़ा है गार्डन, आपको पीछे तक दिख रहा होगा, पूरा पहाड़ का ऊपर तक है। तो चलिए अब देखते हैं गार्डन अंदर से इसका खूबसूरती कैसा है। तो फ्रेंड्स, गार्डन जो है बहुत ही बड़ा है, और आप यहाँ का फूल देखिए, बहुत ही खूबसूरत फूल हुआ है यहाँ पे। और गार्डन बहुत बड़ा है, बहुत सा रंग बिरंग का फूल हुआ है यहाँ, आप देख सकते हैं। मतलब यहाँ का जो व्यू है, व्यू मैं आपको यहाँ कैमरा में बोल के मतलब बता नहीं सकता, क्योंकि आप अगर जब तक सामने से आकर नहीं देखिएगा आपको समझ में नहीं आएगा। चम चम करता आया मौसम प्यार के गीतों का, रसते पे अखियां रसता देखे बिछड़े में तो का, सारी सारी रात जगाए, सारी सारी रात जगाए मुझको तेरी यादे, मेरे सारे गीत बने मेरे दिल की फरियाद। ओ घर आजा परदेसी के तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी के तेरी मेरी एक जिंदड़ी। सही, मैं जो हुआ ऊपर आ गया हूँ, और यहाँ गार्डन ऊपर से जो खूबसूरत है, आपने अभी एक छोटा सा क्लिप देखा होगा, यह है गार्डन के ऊपर का खूबसूरती। और यहाँ का जो खूबसूरती है फ्रेंड्स, मैं आपको वीडियो करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैं मुंह से बोल के तो बयान नहीं कर सकता जो यहाँ का खूबसूरती लग रहा है। बेचारा ना जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा ना जाने किस पे आएगा। मतलब फ्रेंड्स, यहाँ का खूबसूरती, मेरा मुंह से बार बार यही वर्ड निकल रहा है इस वीडियो पे, खूबसूरती खूबसूरती, क्योंकि ऑसम खूबसूरती है। आप देखो फ्रेंड्स, चारों तरफ पहाड़, और बीच में जो है हमारा ट्यूलिप गार्डन है। और गार्डन जो है बहुत ही ऑसम लग रहा है, और चारों तरफ जो है वाटरफॉल की तरह झरना यहाँ पे लगाया हुआ है, और बहुत ही खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है। अभी धूप बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए और ऑसम लग रहा है ये जगह। अब ज़रूर यहाँ पे एक बार विजिट करो, कश्मीर आओगे तो ट्यूलिप गार्डन अगर आप देख लिए
सच कहते हैं लोग कि पैसा वसूल। तो चलिए पूरा गार्डन घूमते हैं क्योंकि देखने के लिए बहुत कुछ है और फूल जो है यहाँ का फ्लावर्स मतलब ऑसम है। तो चलिए पूरा हम विजिट करेंगे। चम चम करता आया मौसम प्यार के गीतों का, रसते पे अखियां रसता देखें बिछड़े में तो का, सारी सारी रात जगाए सारी सारी रात जगाए मुझको तेरी यादें, मेरे सारे गीत बने मेरे दिल की फरियाद। ओ घर आजा परदेसी के तेरी मेरी एक जिंदड़ी। तो फ्रेंड्स सभी का ये जो वेदर है ये अप्रैल महीना पे ही जो है ट्यूलिप गार्डन पे सबसे ज़्यादा भीड़ होता है क्योंकि अप्रैल ही ऐसा एक महीना है जब ट्यूलिप गार्डन का जो फूल है फ्लावर्स है वो सबसे अच्छा से खिल पाता है। सो आप भीड़ देख कर तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि गार्डन कितना औसम अभी लग रहा है। सो आप ज़रूर एक बार यहाँ पे विजिट जरूर मतलब करें क्योंकि गार्डन जो है बहुत बड़ा स्पेस लेके है, एशिया का सबसे लार्जेस्ट गार्डन है हमारा ट्यूलिप गार्डन। और यहाँ पे जो ठंड है बहुत ठंड है, आप सोच रहे मैं टोपी नहीं पहना हूँ बट मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है यहाँ पे। सो आप आएंगे तो जैकेट स्वेटर हैंड ग्लव्स सब लेके आइएगा। मैं भी फ़ोन पकड़ा हूँ बोल के हैंड ग्लव्स नहीं पहना हूँ वरना मैं अभी कैरी कर रहा हूँ सब। और गार्डन के बारे में अब मैं क्या ही बताऊँ। सो आप यहाँ जरूर आए एक बार और गार्डन आके जरूर विजिट करें। सो फ्रेंड्स सभी का जो ये महीना है ये अप्रैल का है, मैंने इसके पहले भी आपको बोला अप्रैल महीना पे ही आप अगर आइएगा तो आपको ये जो गार्डन आप पीछे देख रहे हैं मेरे ये जो पूरा खिला हुआ आपको दिख रहा है ये गार्डन सिर्फ आपको अप्रैल महीना में ही खिला हुआ दिखेगा और ये सिर्फ 7 ही दिन तक रहता है। बाकी आप अगर इसके बाद आते हो तो आपको गार्डन बिल्कुल खाली मिलेगा और आप ये जो खूबसूरती है ये खूबसूरती आप नहीं देख पाइएगा। अब आज है अप्रैल का 6 तारीख, मैं यहाँ पे विजिट किया हूँ। आप अप्रैल का 1 से 10 तारीख के अंदर आप अगर यहाँ पे विजिट करते हो तो डेफिनेटली आपको ये खूबसूरती देखने को ज़रूर मिल सकता है। सो आप प्लीज़ अगर आप विजिट करना चाहते हो तो अप्रैल का 1 से 10 तारीख के अंदर विजिट करने का कोशिश कीजिएगा। आँखों में डूब जाने को हम बेकरार बैठे हैं, एक पल में सब लुटाने को उस पे ही यार बैठे हैं, उस पे ही यार बैठे हैं।